हेलो पीपल, होप यू आर डूइंग वेल। आज हम लोग बात करेंगे सेक्शन 40 टू सेक्शन 46 ऑफ सीपीसी। अब ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है, हालांकि बहुत ही छोटा सा सेगमेंट है। इसमें कुछ बहुत ज़्यादा बातें नहीं कही गई हैं, लेकिन इसके कुछ दो तीन सेक्शंस हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं हमारे लिए। ठीक है, तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं। सेक्शन 40 सबसे पहले कहता है ट्रांसफ़र ऑफ डिक्री टू कोर्ट इन अनदर स्टेट। हमने डिक्री ट्रांसफ़र करी, मतलब कोर्ट ने डिक्री ट्रांसफ़र करी है किसी दूसरे स्टेट में, तो वो उसी मैनर में एग्जीक्यूट करी जाएगी एज द रूल्स ऑफ दैट स्टेट। भाई डिक्री क्यों ट्रांसफ़र हुई है? डिक्री ट्रांसफ़र हुई है एग्जीक्यूशन करने के लिए। तो जब डिक्री को ट्रांसफ़र किया गया है उसका एग्जीक्यूशन कराने के लिए किसी दूसरे स्टेट में, तो वहीं के रूल्स लागू होंगे, वहीं के रूल्स में एनफोर्स होगी वो डिक्री या एग्जीक्यूट होगी वो डिक्री जो उस रूल्स के, जो उस स्टेट के रूल्स हैं। ठीक है, फिर आते हैं सेक्शन 41 पे। सेक्शन 41 कहता है रिजल्ट ऑफ एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग टू बी सर्टिफाइड। जो भी रिजल्ट है एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग का वो बताना जरूरी है। कौन सी कोर्ट बताएगी? बाय कोर्ट टू हिम टू हुम डिक्री इज सेंट फॉर एग्जीक्यूशन। फिर हमारे पास सेक्शन 42। सेक्शन 42 सेज पावर ऑफ कोर्ट इन एग्जीक्यूटिंग ट्रांसफर्ड डिक्री। तो जिस कोर्ट को हमने वो डिक्री ट्रांसफर करी है, तो बेसिकली ये एग्जीक्यूटिंग कोर्ट के बारे में बात की जा रही है। एग्जीक्यूटिंग कोर्ट की क्या पावर्स हैं? तो सेम पावर है जैसे की पावर होती है जिस जो कोर्ट डिक्री पास करता है उसके पास, वही सेम पावर्स हैं इस कोर्ट के पास भी जो कि डिक्री एग्जीक्यूट करेंगे। अब ये वाला जो सेगमेंट है ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर सेक्शन 43 में कहा गया कि इफ द डिक्री इज पास्ड बाय द सिविल कोर्ट। एक ऐसे सिविल कोर्ट ने डिक्री पास करी है जहां पर सीपीसी एक्सटेंड नहीं करता है। ध्यान से समझिएगा, डू नॉट लिखा है। जहां पर सीपीसी एक्सटेंड नहीं करता है तो एग्जीक्यूशन किस मैनर में होगा? एग्जीक्यूशन उसी मैनर में होगा एज प्रोवाइडेड इन ज्यूरिसडिक्शन टू विच सीपीसी अप्लाइज। अगर ऐसे सिविल कोर्ट ने आपकी डिक्री पास करी है जहां पर सीपीसी एक्सटेंड नहीं करता है, तो उसका एग्जीक्यूशन वैसे ही करेंगे जैसे कि सीपीसी में एग्जीक्यूशन होता है, मतलब ऐसे ही करेंगे जैसे कि वहां पर सीपीसी अप्लाई होता है। सेक्शन 44 कहता है कि अगर डिक्री पास करी है उस रेवेन्यू कोर्ट ने जहां पर सीपीसी एक्सटेंड नहीं करता, स्टेट गवर्नमेंट, देखो जहां पर एसजी लिखा है वो स्टेट गवर्नमेंट है, जहां पर सीजी लिखा है वहां सेंट्रल गवर्नमेंट है। ठीक है, तो वेयर सीपीसी डू नॉट एक्सटेंड, तो स्टेट गवर्नमेंट मे डिक्लेयर इट टू बी एग्जीक्यूटेड एज इफ डिक्री इज पास्ड बाय कोर्ट इन दैट स्टेट। तो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो ये डिक्लेयर करेगी कि भाई जहां जैसे मतलब सीपीसी एक्सटेंड करता है आप ऐसे उसको एग्जीक्यूट करिए जैसे कि सीपीसी आपके रेवेन्यू कोर्ट में एक्सटेंड करता है। तीनों सेक्शंस में सेम बात ही कही हुई है कि अगर डिक्री किसी ऐसे कोर्ट ने पास करी है जहां पर सीपीसी एक्सटेंड नहीं करता, तो कैसे एग्जीक्यूशन होगा? एग्जीक्यूशन वैसे ही होगा जैसे कि उस पर्टिकुलर कोर्ट में हमारा सीपीसी अप्लाई होता है। अब सेक्शन 45 कहता है कि अगर आउटसाइड इंडिया का कोई मामला है तो कोर्ट कैन सेंड इट टू कोर्ट एस्टैब्लिश्ड बाय अथॉरिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट आउटसाइड इंडिया और टू विच स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड दैट सेक्शन 45 विल अप्लाई। तो कोर्ट जो है भेज सकता है एक ऐसे कोर्ट में जहां पर जो है आउटसाइड इंडिया तो है वो कोर्ट, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने, इंडिया की सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको एस्टैब्लिश करवाया है, और या फिर स्टेट गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है, वहां के स्टेट गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है कि सेक्शन 45 भाई आपके, सेक्शन 45 आपके स्टेट में अप्लाई करेगा, तो वहां पर भी जो है उस डिक्री को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। फिर हम आते हैं सेक्शन 46 पे। अब ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। प्रिसेप्ट्स के बारे में बात करते हैं। ये प्रिसेप्ट्स होता क्या है? प्रिसेप्ट्स होता है प्रॉपर्टी को अटैच करना। किसकी प्रॉपर्टी को अटैच करना? जजमेंट डेटर की प्रॉपर्टी को अटैच करना। तो ये कैसे होगा? एप्लीकेशन जब हमारा जो है डिक्री होल्डर लगा देता है, इशूड बाय द कोर्ट पासिंग डिक्री टू अनदर कोर्ट टू अटैच प्रॉपर्टी ऑफ जजमेंट डेटर। भाई जजमेंट डेटर की प्रॉपर्टी को अटैच करवाने के लिए इन द एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री एप्लीकेशन लगाई डिक्री होल्डर ने, ठीक है, इशूड बाय द कोर्ट पासिंग डिक्री टू अनदर कोर्ट, किस लिए?
जजमेंट डेटर की प्रॉपर्टी को अटैच करने के लिए। तो ये प्रिसेप्ट्स हो गया। यहां पर जो है सारा काम जो है डिक्री होल्डर के एप्लीकेशन पर ही किया जाएगा, कोर्ट सुओ मोटो नहीं करेगी। वैलिडिटी ऑफ अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी अंडर प्रिसेप्ट 2 months अनलेस द पीरियड इज एक्सटेंडेड बाय द कोर्ट। तो ये जो टाइम पीरियड है ये इंपॉर्टेंट है कि वैलिडिटी क्या है अटैचमेंट की, कितने दिन में जो है अटैच कराना है अंडर प्रिसेप्ट, तो 2 महीने के अंदर अंदर जो है कराना है। और अगर ये पीरियड अगर कोर्ट चाहे तो उसको एक्सटेंड भी कर सकती है, लेकिन अगर कोर्ट एक्सटेंड नहीं कर रही है तो सिर्फ और सिर्फ 2 महीने का टाइम है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये सारे सेक्शंस अच्छी तरीके से क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आप लोग किसी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।